सुरेंद्र सिंह, मुंबई, News 24। मुंबई के पास वसई के कई गांवों के लोगों ने 100 किलोमीटर चलने का अनोखा आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन 35 गांवों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अलग करने को लेकर किया जा रहा है। इस आंदोलन में बच्चों और बुजुर्गों समेत जानवर भी शामिल हैं। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि वो वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 35 गांवों को अलग कर देगी। 5 अप्रैल 2010 को इस बात की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपनी घोषणा पूरी नहीं की है। इस आंदोलन में 5 से 6 हजार लोग शामिल हैं। इसमें वसई गांव के आदिवासी, किसान और कोली समाज के लोग शामिल हैं। ये लोग अपने गांवों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अलग रखना चाहते हैं। 2 दिनों से जारी ये पदयात्रा बुधवार को विधान भवन पहुंच जाएगी। 100 किलोमीटर का ये सफर तय करने में कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, विरोध जारी रहेगा। दीपक दुबे, मुंबई, News 24। मुंबई में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ माँ बाप अनशन पर उतर आए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में एक एनजीओ के साथ अनशन पर बैठे अभिभावकों की मांग है कि हर साल अनाप शनाप फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए सरकार शिक्षण शुल्क नियंत्रण बिल को पास करे। दरअसल 4 साल पहले शिक्षण शुल्क नियंत्रण बिल को लाने की योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी, लेकिन बाद में वो बिल ठंडे बस्ते में चला गया। अब अभिभावक उसी बिल को पास कराने के लिए पिछले 7 दिन से अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुध लेने नहीं पहुंचा। फीस रेगुलेशन के लिए एक बिल लाएंगे।